किराया जो है वो 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या तकलीफ। पर सरकार बुलाए कराए तब तो, अगर सरकार जो है वो बिल्कुल ही चुप बैठी रहेगी, जहां पे उसका एक्शन है करने का, सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में किया, सुप्रीम कोर्ट अपने पावर्स में ठीक थी, आज सरकार अपना पावर एक्सरसाइज नहीं करना चाह रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर और वायलेंस तो देखिए साहब ऐसा है, माफ कीजिएगा मैं यहाँ पे हूँ और आप बिल्कुल मेरे से सही जायज प्रश्न पूछ रहे हैं, पर जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो साहब इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से बियॉन्ड चलेगी। देखिए जब लोगों की रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो क्या हो, मैं इंडिविजुअल केसेस माफी चाहूंगा अगर आप लोगों के नहीं, प्रश्न जो है वो जो मीडिया से जो प्रश्न है वो अगर हो गया तो मैं आपको इंडिविजुअल केसेस जो 2-4 हमारे स्ट्राइकिंग जो केसेस हैं वो मैं आपको जो है वो बताना चाहता हूँ। नहीं, मीडिया से संबंधित ये है कि आपने रोजी रोटी नहीं वोट नहीं देंगे जी, आप अपने जगह पे ठीक है, लेकिन जो ऑनर जो मेन है जी, जैसे हमारे भाई ने कोई सवाल उठाया जी, तो ऐसा क्यों नहीं करके कि दोनों मिल बैठ के बीच में सरकार मध्यस्थ जी, मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ, उनको दोनों बैठ के जैसे आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपने तो पगड़ी दे के कहा कि हमारा हक हो गया जी, लेकिन ओरिजिनल जो है पगड़ी थी उस टाइम की, आप जब भी फील ओवर करोगे लेकिन होती नहीं था सर, जो एक मिनट है ना सॉरी, जब ऐसा कोई फॉर्मूला हो कि आप दूसरी जगह दे दिया जाए सरकार, आप जाएंगे या नहीं? सरकार बताया कि क्या कहां पे जो है वो मार्केट डेवलप कर रही है या कुछ है? नहीं, अगर सरकार क्या सरकार वो फ्री जगह दे देगी? देखिए मैं आपको बताता हूँ कई जगहों पे हुआ ये है, हमारे अध्यक्ष जी आज नहीं आए हैं, उनके साथ हुआ था कि जिस जगह पे वो मकान मालिक थे और जो टेनेंटेड प्रॉपर्टी थी उस जगह के बदले में उनको जगह ऑलरेडी मिल चुकी थी मकान मालिक को, क्योंकि रजिस्ट्री उनके नाम थी, हाउस टैक्स की रसीद म्यूटेशन वो कर रहे थे, हालांकि हाउस टैक्स हमारे अध्यक्ष जी भर रहे थे, उनको वो जगह दूसरी मिल गई, फिर भी ये जगह दोबारा खाली हो गई। तो ये प्रश्न जो है ना दूसरी जगह जाने का, ये भी जो है सर्कमस्टेंशियल है, क्यों आपको हर एक कंडीशन जो है देखनी चाहिए, इसीलिए जो है हमको एक ओवरऑल बैलेंस एक्ट जो है सरकार को सभी कंडीशंस को देखते हुए पूरी दिल्ली के लिए बनाना पड़ेगा। आज ये प्रॉब्लम जो पगड़ी की है ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कुछ एरियाज में लिमिटेड है, ये आप समझिए कि हर एक पूरी दिल्ली में व्याप्त है और हर एक मार्केट की एक पिक्यूलियरिटी है। कहीं पर डीडीए की जो लीजोन प्रॉपर्टीज हुआ करती थी तो वहां पर उनके ऊपर ये आ गया कि आपको मालिक को जो है वो बनानी पड़ी मकान जो है मालिक ने बनाया, जब बनाया तो उसके बाद में नेचुरल फंड्स ज्यादा लगते थे कंस्ट्रक्शन के परसेंटेज वाइज, तो उन्होंने बनाया, तो उन्होंने क्या किया कि नीचे की दुकान है पगड़ी पे जो है वो लेकर के बेच दी और उनको ये अश्योरेंस दे दिया लोगों को कि हम इसको जब हम फ्री होल्ड करेंगे तब आपको हम कन्वे कर देंगे। ठीक है, उन्होंने फ्री होल्ड करवाया नहीं, हमारे पास ऐसे इंस्टेंसेस हैं, इस वक्त कैलाश में हुए हैं काफी सारे इंस्टेंसेस जहां पे लीज होल्ड में उन्होंने पगड़ियां लेकर के और जगह की एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखा दूंगा रिसीट्स हैं जहां पे उन्होंने दिया हुआ है कि हमने हाँ ये इतना रुपया लिया है आपसे और हम कर देंगे। मुनिरका के इंस्टेंसेस हैं, चांदनी चौक के इंस्टेंसेस हैं। तो अगर हमारा जो प्रश्न है विस्थापित होकर के कहीं जाने का, तो वैसा ही प्रश्न है कि जैसे खाली बावली से आप केमिकल मार्केट जो है वो कहीं और ले जाना चाह रहे हैं, तो क्या केमिकल मार्केट कहीं और बन गई और चला जाए? अगर नो मैन्स लैंड में ही जाना है, अगर मुझे मार्केट रेंट देना है, देखिए मेरी प्रॉब्लम क्या है, इतिहास में मैंने पगड़ी दे दी जो इक्विवेलेंट है मार्केट वैल्यू का, अब मैं किराया भी देता आ रहा हूं, अब मेरे को सडनली उस जगह से उखाड़ा जा रहा है। जो मकान मालिक हैं उन्होंने मेरे को बेच दी एक तरीके से जगह, और केवल दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया तो मकान मालिक ये मान के बैठा हुआ है कि मैंने बेच दिया जगह, केवल दिल्ली का ही मकान मालिक ज्यादा जरूरतमंद है कि वो बेच करके भी दोबारा लेना चाह रहा है, प्रश्न यहाँ है। और फिर मैं आज बोल रहा हूँ कि कोई बात नहीं है सर, पहले परिवेश कुछ और थे, आज परिवेश कुछ और है, यूएस को छोड़ दीजिए जहां पे रेंट कंट्रोल है, यूके को छोड़ दीजिए जहां रेंट कंट्रोल है, इटली छोड़ दीजिए, फ्रांस छोड़ दीजिए, ऑस्ट्रेलिया छोड़ दीजिए जहां भी रेंट कंट्रोल है, केवल इंडिया में वो भी दिल्ली में ही रेंट कंट्रोल एक्ट का कष्ट है, सौतेला व्यवहार केवल दिल्ली में ही हो रहा है, तो भी हम जो है ये बैठ करके बैठने को तैयार है कि परसेंटेज, क्योंकि हमारी रोजी रोटी है, आज अगर हमारी रोजी रोटी से हमारे हट जाए, आज ये सुखदेव जी हमारे पास यहाँ बैठे हुए हैं, इनका जो केस है 1984 से क्राइस में इनकी जो है दुकान जला दी गई, जलाने के बाद में इन्होंने जो गवर्नमेंट की लोन स्कीम है उससे रुपया लिया, उस रुपये को लेकर के और इन्होंने वो दुकान कंस्ट्रक्ट की है, ये डॉक्यूमेंटेड है, उसके बाद में जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है उसको भी जो है वो लीव टू डिफेंड जो समरी प्रोसीजर है उसके अंतर्गत उसको, क्योंकि इतना लॉ संकीर्ण है जो सरकार से हम मांग रहे हैं कि लॉ को आप जो है बैलेंस बनाइए, इसीलिए उसको कंसिडर नहीं किया गया, राज की दुकान खाली हो गई।
हमारे साथ ट्रेड यूनियन मतलब देखिए ऐसा है अनफॉर्चुनेटली जो हमारे वर्कर्स हैं ट्रेड यूनियन तो चूंकि वर्कर्स के साथ होती है, हमारा जितना भी स्टाफ है वो सब अनस्किल्ड नहीं, व्यापारियों के सब संगठन है। मैं आपको बता दूं हमारे साथ में जो है आपके कश्मीरी गेट के दिल्ली मोटर्स ट्रेडर एसोसिएशन है, अपमा है, आपके भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है मिश्रा जी वाले, विजय प्रकाश जैन है, हमारे साथ में आपके कुतुब ट्रेडर एसोसिएशन है, चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल है जी। ये समझ लीजिए कि व्यापारी संगठन लगभग दिल्ली के 80% है, 80% दिल्ली के व्यापारी संगठन हमारे साथ है और हमारे पास लेटर ऑफ सपोर्ट है उनके, सदर बाजार के एसोसिएशन है, गांधीनगर के हैं, इनफैक्ट हमारे जो एक मेंबर्स हैं वो तो गांधीनगर के सेक्रेटरी साहब यहाँ खड़े हैं, वो खुद केस पेश कर रहे हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी की दुकान, प्रवीण खंडेलवाल जी की दुकान का सर मेरे को आइडिया नहीं है, बाकी कैट वाले भी हमारे साथ, प्रवीण जी की सर मेरे को आइडिया नहीं है, प्रवीण जी की वो उनकी पगड़ी की है कि नहीं है, बाकी ये है जरूर कि वो हमारे साथ आते जरूर हैं, बाकी वो सर एक बात बताइए जी, जैसे आप कह रहे हैं कि किराएदारों को प्रोटेक्ट किया जाए, क्या आप ऐसा सिमिलर सजेशन नहीं दे सकते हैं कि मकान मालिक भी प्रोटेक्ट हो और आप भी प्रोटेक्ट, ऐसे कुछ आपने सुझाव दिए जो जेन्युइननेस है वो कैसे प्रूफ होगी? सपोज मेरे को रियली में चाहिए अपने बेटे के लिए और उसी जगह पे चाहिए, तो क्या इसका क्लासिफिकेशन कहीं लॉ में हो सकता है कि जेन्युइन केस में उसको वापस कर दी जाए? क्योंकि जो मेरा लॉजिक सिंपल है, हम आपको देने की जगह ऑफर दे रहे हैं, अगर आपको चाहिए आप हमको जगह दीजिए, देखिए बैलेंस क्या है, किसको कह रहे हैं? अगर मकान मालिक को जगह चाहिए वो किराएदार को दूसरी जगह दे दे, वो दे दे या किराएदार दूसरी जगह मकान मालिक को दे दे, फिर देखिए लेकिन वो जगह जगह नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ किराएदार को अगर उठा करके आपको कहीं पटकना है तो आप उसको मार्केट में जगह दीजिए, अगर आपकी जरूरत है तो हम आपको जगह दे देंगे मार्केट में, उसी दुकान में क्या ऐसा लगे, किराएदार अगर अपनी जगह दे देगा उसकी गुडविल वहां पे जो उसने 50 साल से व्यापार किया है वो खत्म। देखिए मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं होता है, क्या होता है मेरे को मुझे जो है ना रिसीवेबल आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो तकलीफ है, आपको ट्रेड रिसीवेबल लेना होता है जिसमें आपने उधारी दी हुई होती है, आप अगर वो जगह से उठ करके दूसरी जगह चले जाते हैं तो आपको वो उधारी वापस नहीं मिलती। जैसे कि आज की तारीख में आपने 10 करोड़ का टर्नओवर किया सपोज, एक साल 10 करोड़ से आपने कमाया 25 लाख 50 लाख रुपया सपोज कमाया, ठीक है, उसमें से वो 50 लाख का पूरा आपका उधारी नहीं है, ये समझ लीजिए। वो अगर आप वहां से उस जगह से आप उठ करके अगर चले गए तो आपकी उधारी मारी जाएगी, हमारा रोना केवल ये है। अगर देखिए कैश वाला काउंटर हो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उधारी जो मारी जाती है उसमें आप जीरो हो जाते हैं। ऐसा है कि ये सीक्रेट फ्रेंचाइज है, अब मैं ये कहूँ कि मैंने बीजेपी को दिया या कांग्रेस को दिया उससे कोई हल मसला यहाँ पे नहीं सर होगा, आप भी जानते हैं कि सरकार आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के कोऑपरेशन से हम सरकार तक केवल अपनी बातें पहुँचाएंगे, ठीक है। ये तो सर देखिए ऐसा है पोलिंग बूथ के अंदर जाने के बाद तो कोई किसको क्या वोट दे रहा है सबको मालूम है, व्यापारी बीजेपी के साथ1995 के एक्ट को खत्म कर दिया गया जिसमें मार्केट रेट की बात थी, बॉम्बे एक्ट की बात आप कर रहे हैं, बॉम्बे एक्ट में है कि जमीनी अगर वो उसकी खानदानी है या उसमें है उसको जो अपनी जरूरत है वो उसको बतानी पड़ेगी, नहीं यहाँ नहीं बतानी पड़ रही, यहाँ बतानी नहीं पड़ रही, मैं वही बता रहा हूँ आपको, यहाँ बतानी नहीं पड़ रही क्यों, मैं आपको बताता हूँ जो भाई साहब का प्रश्न था ना कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस यूजुअली बाकी दूसरी स्टेट्स के पेंडिंग है,
हमारे जो केसेस है दिल्ली के वो नहीं पेंडिंग है, क्यों? यहाँ तकलीफ ही यही है कि एफिडेविट दिया और दुकान खाली हो गई। आप बताओ 2013 के एक्ट में जो भी राज्यसभा में लंबित है पास नहीं हुआ, उसमें भी यही प्रावधान है कि आप का भी उनका अधिकार तो दिया ही गया है। नहीं, लेकिन उसमें जो 95 जो 2013 वाला जो एक्ट है उसके अंदर ये प्रावधान है कि आपको मार्केट रेंट देना पड़ेगा, तो हमने ये कहा है कि मार्केट रेंट के लिए जो फॉर्मूला उसमें है वो फॉर्मूला डिफेक्टिव है, हम कुछ नहीं कह रहे। हमने ये कहा है कि आप वंस एंड फॉर ऑल इस पूरी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करिए। जो रेंट वाला सिस्टम है, देखिए मैं आपको एक बात ये बता रहा हूँ, जो आदमी ने आज पगड़ी लेकर के जगह ली, आज वो मार्केट रेंट दे करके उसी जगह पर अगर वो बैठेगा तो फिर ये सोचेगा कि मेरे को तो अपने रिसीवेबल्स जो मुझे चाहिए है ना, रिसीवेबल्स जो मुझे चाहिए वो मैं रिकवर कर लूं, दो पांच साल में मैं निकल जाऊं, तो भी तो वो विस्थापित हो रहा है। आप मेरी बात समझिए, मैं ये चाह रहा हूं कोई ऐसा फॉर्मूला हो कि वो विस्थापित ना हो। लेकिन सर एक बात ये भी करा, आप जिस लेवल पे पगड़ी पे या किसी भी दुकान पे भी मौजा जो पोजीशन होती है उस पे लेते हैं, उसके बाद आप चेंज करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो भी तो एक एक्ट के खिलाफ ही आता है, वो भी तो एक प्रोविजन आपके खिलाफ ही जाता है कई बार। नहीं, हम तो उसकी वैल्यू एड कर रहे हैं ना सर, अगर हम उसको